इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। छोड़ा भी जिसके पुण्य होता है, भगवान के श्री मंदिर में, यज्ञ में, कथा में, कीर्तन में स्वतः स्फूर्त उपस्थित हो जाता है, संदेश मिल भर जाए। आपको विश्वास न हो तो 7 दिन कह कर देखिए। और जिसका पुण्य प्रभावी नहीं होगा, 7ों दिन यह कहेगा, तू चल मैं आता हूं, पहुंचो बजा पहुंचो, हम पीछे पीछे आएंगे लेकिन संग नहीं जाएंगे। सती अम्बा को लेकर बाबा कथा सुनाने गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश। राम कथा मुनिवर जब सुनी महेश, संग संग गई थी माई लेकिन कथा समझ में नहीं आई कि सुनाई नहीं पड़ी। परिणाम जब विदा होकर चले हैं बाबा, तो भगवान दंडकारण्य की लीला कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी, और माता जी ने देखा, बाबा ने देखा, बाबा ने सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर की जय हो कह के प्रणाम किया। सती अम्मा ने प्रणाम नहीं किया, मोह हो गया। कथा में बैठ कर भी जो कथा श्रवण नहीं करता है उसको अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं, बाबा ने ही क्यों कहा, बाबा ने ही क्यों कहा, बाबा ने ही क्यों कहा, कहे तो से पूछ कहेंगे कहा बाबा। अरे श्रवण करते समय गुरु जी कक्षा में कह रहे हैं, सुनो गौर से, प्रश्न में ही उत्तर छिपे होते हैं, संदेह होता ही नहीं है। अस संशय आनत उर माही, सब ज्ञान विराग समाप्त हो जाता है। कथा तो कान पार के श्रवण करिए, फिर देखिए कैसे आनंद बरसाती है। शिव जी ने सती अम्मा को समझाया, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीर सेवत जाई सदा। माई के समझ में नहीं आया, भगवान ने कह दिया जाके परीक्षा कर लो, माता जी ने परीक्षा कर लिया और जो न होना था सब हो गया। अस्त जिसका कल्याण चाहते हैं उसको खबर करिए, आप भी पधारो, बड़ी सुंदर कथा भगवान की कथा है, चल रही है, पधारो। और आप देखिएगा धीरे 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 एक कथा धीरे 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 पकड़ती चली जाती है। परीक्षा करते समय सती अम्बा ने सीता मैया का स्वरूप बना लिया, भगवान ने प्रणाम किया, दर्शन दे दिया विराट स्वरूप का, उसी वनवासी भाव का। बाबा के पास जब मैया पहुंची है तो बाबा ने पूछा, लीनी परीक्षा कवन विधि, सत्य कहु सब, सत सत बताइएगा सती जी, कैसे परीक्षा ली आपने देवी। देखिए झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए, झूठ में बहुत मेहनत पड़ती है, काहे ये तय करना पड़ता है किससे क्या कहा था। कहीं 4 लोगों से 4 प्रकार कहे हो, चारों इकट्ठा हो जाए तो अब क्या कहना है। इसलिए बाबा ने सावधान किया, लीनी परीक्षा कब नविधि, कहो सत्य सब, कहो सत्य कहो। अब माई तो कहना सत्य चाहती है, ऐसे ऐसे परीक्षा लिया, लेकिन माया का जो स्वरूप धारण किया था, माया ने आसन जमा लिया। देखो भैया झूठ एक ही बार बोलने में रोकता है,
और जो बार बार बोलने लगता है उसको झूठवे सही जान पड़ने लगता है। कब तक? जब तक समाप्त न हो जाए वो। कई लोग तो इतने अभ्यस्त होते हैं कि झूठ को भी सत्य जैसा बोलते हैं, उनको लगता है यह सही है, ये भी नहीं परवाह है। खैर भाई, जो कोई बैठा हो जो हमको जानता हो वो क्या सोचेगा। ना ना, झूठ को ही सत्य मानकर जो बोलता है वो धीरे धीरे अपने ही पैर में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारता चला जाता है। इसलिए कलिकाल भले है, कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भुरलोके अमुक अमुक ग्रह नक्षत्रे, तथापि सत्य का आश्रय करिए। सत्य में दबाव नहीं है, सत्य में उलझन नहीं है। झूठ को छिपाने में बहुत मेहनत करना पड़ता, मशक्कत बहुत होती है। काहे झूठ बोलना? झूठ बोलने वाले लोग जमाई बहुत लेते हैं। भैया कोई जमाई लेता हो तो देखिए, हाँ मतलब हम किसी को जान के नहीं कह रहे हैं, ये यथार्थ, ये समुद्रिक शास्त्र का व्यवहार है। सती अम्बा बाबा ने पूछा, कह वो सत्य सब बात, माया ने आसन लिया, माई बोल गई, कछु न परीक्षा लेनी गोसाई। सीता अम्बा का वेश धारण किया, ऐसा जैसे ही शिव जी के हृदय में उपस्थित भया, बाबा ने संकल्प ले लिया। सती जी ने मां का वेश धारण किया, मां का स्वरूप धारण किया, अर्थात अब हमारा पति पति इस रूप में सती जी से भेंट नहीं होगी। आकाशवाणी ने संकल्प सुनते ही बाबा की प्रशंसा किया, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आकाशवाणी ने जब प्रशंसा की तो सती मैया समझ गई कि शिव जी सब जान गए। मां ने कई बार पूछा, बाबा ने बताया नहीं। पुराण इतिहास की नाना विधि कथाएं सुनाते, बोले बाबा मां को लेकर कैलाश पधारे,
अपने प्रतिज्ञा का स्मरण करके शिव जी आसन जमाए और समाधि में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप समारा लागे समाधि अखंड भोले बाबा हमारे अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। सती मैया कैलाश में सपरिकर सेवा करने लगी बाबा की। धीरे धीरे समय बीता, शिवजी कितने वर्ष समाधि में रहे? बीते संवत सहस 87 तब तजी समाधि शंभु। 87,000 वर्ष तक शिव बाबा समाधि में रहे। 87,000 वर्ष बाद जब मुख खुला तब राम नाम सेव सुमिरन लागे जाने सती जगतपति जाने जाने शंभो पद वंदन दीना इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।